नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप सीनियर स्पिक्स देख रहे हैं। तो अब बात करेंगे जिस मोस्ट अवेटेड सीरियल है, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि सभी और ईशान भोसले एक कब होंगे। जी हाँ, नाम सुनकर तो आप जान ही चुके होंगे कि हम कौन से सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। तो क्योंकि नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो ईशान है वो सभी के प्यार में अब गुम होने ही वाला है। आपने कैसे देखा पिछले एपिसोड में कि जब हॉस्टल रूम का लॉक खराब हो गया था तो ईशान जो है वो सभी की हेल्प करने के लिए आता है और दोनों एक रूम में फंस जाते हैं, क्योंकि जो लॉक है गेट का वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और जो लॉक है वो फंस जाता है, मतलब कि अब गेट नहीं खुलने वाला है। उसके बाद ईशान भोसले जो है वो अपना फ़ोन भुलाते हैं अपने कार में और जो सभी जवान हैं उनके जो फ़ोन का चार्जर है वो शांतनु भोसले के घर छूट गया है और उनकी फ़ोन की बैटरी हो गई है डेड। मतलब कि आप समझिए कि दोनों को करीब आने के लिए एक परफेक्ट टाइम मिल गया है, मतलब एक रात का दोनों बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर दो लोग एक रूम में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बातें तो होंगी ही। अब उसके बाद अब दूसरे दिखाया गया है आने वाले ट्रैक में कि देखिए कैसे शांतनु जो हैं वो अपने घर वापस आते हैं और उनको देखकर बहुत सारे लोग खुश होते हैं। लेकिन अब जो अक्का साहब है वो यहाँ पे भी नहीं चुकती हैं और कहती हैं कि आखिरकार ईशा तुझे छोड़कर चल ही गई, इस बार भी उसका फैसला अकेले होगा। लेकिन शांतनु कहता है कि अक्का साहब मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना है। फिलहाल सारे जो लोग हैं वो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं शांतनु को घर में और कहती है अक्का साहब कि जाओ शांतनु अपने रूम में अपना रख कराओ सामान। इधर अगले ट्रैक में दिखाया गया है कि सभी अपने सपनों के बारे में ईशान को बताते हैं कि कैसे मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने आई थी यहाँ पे और मेरे आई का सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और उनकी सपने को मैं जरूर पूरा करूंगी, इसके रास्ते में मुझे चाहे कितने भी रोड़े आए। उसके बाद जो ईशान भोसले हैं वो कहते हैं कि सभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे सपनों को पूरा करने में, और उसके बाद वो सभी जवान के हाथ पे कलावा बांधते हैं। तो दोनों के बीच में जो है वो शुरुआत हो चुकी है और जो आगे वाला एपिसोड है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।